हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुई है मॉर्निंग और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। जैसे कि मेरा स्केड्यूल है, मैं एग्जैक्टली 5 बजे का अलार्म भरती हूँ, लेकिन उठती हूँ 5:30 बजे तक। 5:30 बजे मेरी एग्जैक्टली नींद खुल जाती है। उसके बाद मैं अपने खुद का एक मी टाइम इन्जॉय करती हूँ। जैसे कि मैंने बहुत ही बारी पहले अपने बहुत सारे वीडियोज़ में अपने अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स शेयर करे हुए हैं, मैं जल्द ही अपने अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स भी आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी। ऑफकोर्स ये नई जगह है, नए रूटीन्स हैं, कुछ ना कुछ तो फॉलो होता ही रहता है साथ के साथ, लेकिन कुछ नए रूटीन्स भी हो गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं, नई सिटी है, हम लोग टेक्सास से बात कर रहे हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है ऑफ कोर्स। और मेरा नाम गौरी है और मेरे चैनल का नाम फाइंड योरसेल्फ है। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन्स शेयर करती जा रही हूँ। फिलहाल अभी सुबह का टाइम है, बच्चों को उठाया है, बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, बच्चे कोई भी अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह 6:30 बजे मैंने बच्चों को उठा दिया है। बाहर अंधेरा अंधेरा सा था, बच्चों की नींद को मैंने डिस्टर्ब करा है। ऑफ कोर्स बच्चों का एग्जैक्टली मुझे बच्चों को ड्रॉप करना रहता है 7:45 पे, बच्चों के स्कूल के डोर्स क्लोज हो जाते हैं। हालांकि उन लोगों ने फिर भी टाइमिंग्स दे रखे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है सुबह के टाइम पे। तो ऑलमोस्ट 7:55 इज़ द लास्ट थिंग जो हम लोगों को बच्चों को ड्रॉप करना रहता है, इसीलिए। तो फिलहाल बच्चों को गाना गाते गाते और थोड़ी बहुत बातों में लगाते लगाते बच्चों को तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे प्रिशा को अच्छे से तैयार कर रही हूँ, आदि अच्छे से ब्रश करके गया है अभी, और ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो है मेरा जिसके अंदर मैं बच्चों को किस तरीके से तैयार करती हूँ, उन्हें मूड रिफ़्रेश करती हूँ, अच्छे से हेयर ऑयल करती हूँ, ब्रश करवाती हूँ, बच्चों का फेस वॉश करवाती हूँ, अच्छे से क्रीम करवाती हूँ, लोशन करवाती हूँ, बच्चों को ड्रेसअप करती हूँ इस तरीके से। और सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा पावर आवर्स रहते हैं मेरे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो है ये जिसके अंदर मैं किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ, वही सब आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लगे और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पूरे घर की लाइट्स नहीं जल रही हैं, बच्चों के डैडी अलग रूम में तैयार हो रहे थे, बच्चों को मैं तैयार कर रही थी। मोस्टली जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को अच्छे अच्छे से हंसते खेलते तैयार करूँ। आधी थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था क्योंकि उसे फेस पे क्रीम लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं उसे बोल रही थी कि यहाँ पे वेदर चेंज होता जा रहा है तो यू हैव टू पुट इट बेटा, और अदरवाइज़ चेहरे पे बहुत जल्दी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं और काफ़ी डस्ट वगैरह लगने की वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी पिंपल्स होने लग जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। तो बेटर है कि अच्छे से तैयार हो जाए और स्कूल जाने के लिए, और साथ में मैं हेयर ऑयल भी कर दूँगी, हेयर स्टाइल भी बना दूँगी उसकी। मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों के बाल गीले ना करूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम अगर बच्चों के बाल गीले रहते हैं तो उन्हें सर्दी, खांसी और फिर स्कूल में जाते हैं पूरे टाइम एसी में बैठना, हेडेक होना, ये सब एक नॉर्मल बात हो जाती है। और पर बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। आधी पूरे टाइम क्रैंकी था कि मम्मा ऐसे लगाओ, मम्मा वैसे लगाओ। कभी कभी प्रिशा क्रैंकी हो जाती है कि सुबह जल्दी क्यों उठाया, और कभी आधी क्रैंकी हो जाता है। खैर, हम मम्मियों की लाइफ इस तरीके से चलती है ताकि हम बच्चों को अच्छे से, मूड ऑफ जो हो चुका है उनका होता है सुबह सुबह उठने की वजह से, तो उसे रिफ़्रेश कर सके, उसे वापस से मेकअप करने की कोशिश कर रही थी इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों को यहाँ से रिफ़्रेश करूँगी, उसके बाद किचन में जाऊँगी, बच्चों के ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। चलिए यहाँ पे बच्चों के मूड को मेकअप करा है, प्यारा प्यारा सा चेयरअप करा है, हंसाते हंसाते उन्हें बिल्कुल रेस्टरूम से बाहर निकाला है ताकि किचन की तरफ बढ़े और ब्रेकफास्ट की तैयारी करें। फिलहाल यहाँ पे बच्चों के दूध रेडी कर रही हूँ। दूध मैं गर्म करती हूँ थोड़ा वार्म तरीके से, क्योंकि बच्चों को गर्म दूध पिलाने से उनके अंदर एक तरावट बनी रहती है और थोड़ा गर्म गर्म सा माहौल लगता है, उनके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है गर्म दूध पीना। ठंडे दूध को मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, तो दूध गर्म करूँगी, उसके अंदर सिंपल सा बोनवीरा एंड आधा चम्मच शक्कर मिलाऊंगी
ऑफ कोर्स, और कभी कभी बच्चे मना कर देते हैं, कभी कभी हाँ बोल देते हैं, तो उस हिसाब से मैं शुगर इंटेक भी रखती हूँ, पर शुगर मैं ज़्यादा देना पसंद नहीं करती हूँ। ऑफ कोर्स बच्चों के डैडी भी बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं बच्चों को शुगर देना। तो चलिए यहाँ पे दूध तैयार कर दिया है, और इजी गोइंग पे अगर मफ़िन होता है तो बच्चे मफ़िन खा लेते हैं। उस तरीके से आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल किड्स लंच आइडियाज़ भी शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा इन्हीं वीडियो के साथ, इसी चैनल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों का दूध रेडी कर दिया है, बच्चे अभी आएंगे थोड़ी देर में। बच्चे अभी अपना आईपैड वगैरह सब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सुबह का एक टाइम रहता है, क्योंकि स्कूल में जाते हैं, स्कूल में वैसे भी 8-9 घंटे वो बिज़ी रहते हैं, तो स्क्रीन टाइमिंग से दूर रहते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि रात को उनके चार्ज अप करके रख दूँ, ताकि अगर स्कूल जाने से पहले अगर 5-10 मिनट अगर अपने आपको एक एंटरटेन करना चाहते हैं, कुछ ऐसे फ़नी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वो देख ले। और साथ में मैं बच्चों को बोलती भी जा रही थी कि अपने बैग चेक कर लो, अपने सॉक्स चेक कर लो, आर यू ड्रेस्ड अप, आर यू हैप्पी, आर यू योर मूड इज़ ऑन। तो इस तरीके से मैं उन लोगों के साथ बात करती जा रही थी, और साथ में आदि का जो ग्लासेस हैं उसे मैं साइड में रख रही थी, ताकि मैं बच्चों के ग्लासेस वगैरह भी रेडी कर दूँ। और बच्चों को बोल रही थी कि चेक करो अपने बैग में कि टिफ़िन है कि नहीं और बॉटल है कि नहीं। हालांकि मुझे पता है कि वो किचन में है, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह की बातें करते रहना और बच्चों को इंगेज रखना मुझे अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे प्रिशा आ गई है, प्रिशा को और आदि को मैं दोनों को याद दिलाती हूँ कि वेयर इज़ माई हग, और भगवान के हाथ जोड़ने हैं सुबह सुबह, बच्चे को भगवान के प्रे करनी है ताकि आज का दिन अच्छा निकले। उस तरीके से ये छोटे छोटे से इंडियन कल्चर्स ही हैं जो हम लोगों की आदत में आ जाते हैं, अगर हम बच्चों को बोलते रहते हैं तो हमारी भी आदत में आते हैं और बच्चों की भी आदत में आते हैं। सो इसीलिए मैं बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाती रहती हूँ कंटिन्यूएशन में। हालांकि बच्चे कितनी बार बोलते भी हैं कि नॉट अगैन, डोंट से दैट अगैन, पर मैं क्या करूँ, एक आदत रहती है, हम मम्मियों की आदत रहती है यही चीज़ें याद दिलाने की, इसीलिए बार बार। तो बच्चे फ़िलहाल आए हैं, वन बाय वन मुझे हग कर रहे हैं, फिर वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठेंगे, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, या खाने का कोई भी आइटम हो, वो किचन डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के करें, ताकि इधर उधर बिखरा बिखरी ना हो। तो चलिए यहाँ पे दूध रेडी हो गया है, दोनों बच्चों को दूध देती हूँ। चलिए यहाँ पे बच्चों की बॉटल्स भी भर देती हूँ। बॉटल्स को मैं एक बार का रिंस करके रख देती हूँ, क्योंकि डेली उसमें बच्चे यूज़ करते हैं, और अगर उसे कंटिन्यूएशन में अगर साफ़ सफाई ना रखी जाए तो उसके अंदर भी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होने लगते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार मुंह लगाते हैं, फिर वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, फिर उसी के ऊपर बच्चों के जब बच्चे पीते हैं तो उसी के ऊपर जर्म्स चिपकते जाते हैं, बैक्टीरियाज होते जाते हैं, फिर वापस वो मुँह में लेते हैं, फिर अगले दिन फिर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि एवरी सिंगल डे जब मैं उनके बैग में से निकालूँ वो बॉटल्स, तो उसे एक बार कर रिंस करके रख दूँ, या फिर आप कोशिश करके एवरी अदर डे भी रिंस कर सकते हैं। पर अगर टू बी सेफ साइड, मैं हमेशा यही बोलूँगी कि एवरी सिंगल डे उसे रिंस करके रख दें। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों के टिफिन्स रेडी कर रही हूँ। टिफिन्स फटाफट से मैं फिंगर फूड ही वो कोशिश करती हूँ कि वही रखूँ, ताकि वो इजी टू ग्रैब एंड इजी टू ईट रहे, बच्चों का टाइम टेकिंग ना हो, क्योंकि अगर टाइम टेकिंग होगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, यही सोच में पड़ जाते हैं कि अभी इसे लेना है, लेके खाना है, ख़त्म करना है, तो वही चक्कर के चलते बच्चे अवॉइड करने लगते हैं और बहुत लेज़ी फील करने लगते हैं। फिर उनके साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी उनके क्लासमेट्स हैं, वो फटाफट खा के उठ जाते हैं और बच्चे बोर महसूस करते हैं। इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं इजी टू ग्रैब वाली चीज़ें रखूँ बच्चों के लिए, फिंगर फूड्स रखूँ। मैं क्या चीज़ें रखती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी, छोटे छोटे से लंच आइडियाज़ एंड स्नैक्स आइडियाज़। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल प्रिशा का टिफ़िन तैयार कर दिया है,
आदि स्कूल से लेना पसंद करता है, इसीलिए आदि के लिए ऑप्शनल रखा है। जिस दिन वो भूल देता है उस दिन मैं रख देती हूँ। चलिए यहाँ पे बच्चों के जैकेट्स भी तैयार करनी है। बच्चों का दूध हो जाए एक बार का, उन्हें जैकेट्स पहना दूंगी क्योंकि बाहर का मौसम, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी फॉल लग गया है, यहाँ पे भी हल्की हल्की सी ठंडक हो गई है, बच्चों को भी बॉडी एक हो जाता है। इसीलिए बच्चों के डैडी भी बोलते हैं कि एक बार का बच्चों को एक छोटी सी लेयर ज़रूर पहना के भेजो। अगर दोपहर में गर्मी हो जाएगी तो बच्चे खुद ही निकाल लेंगे, आगे से ज़िपर वाले हों चाहे ऊपर से निकालने वाले हों, जो भी आपके बच्चों को ईजी लगे वो आप पहना सकते हैं। मेरे बच्चों के लिए ये वाले उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, ईजी टू फटाक से पहन लिया और फटाक से निकाल लिया वाला काम। चलिए यहाँ पे बाहर का मौसम अच्छा होता जा रहा है, दिन निकलता जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार घर की लाइट्स बंद कर देती हूँ, ब्लिंड्स खोल देती हूँ। ब्लिंड्स खोलने से कर्टन हटा देने से घर में बहुत उजाला आ जाता है, पॉजिटिविटी लगती है, बच्चों को भी काम करने का मन करता है, बात करने का, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए चलिए यहाँ पे कर्टन्स भी खोल दिए हैं, ब्लिंड्स हटा दी हैं, तो बच्चों को अब और बच्चों को अच्छे से चेयर अप करके उनको रेडी करना है और उन्हें एक बार का रिमाइंडर डालना है कि विद इन द 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट लीविंग, वी विल गो टू कार। और यहाँ पे आदि के ग्लासेस भी धो दिए थे और अच्छे से उसे पहना भी दिया, उसे चेयर अप कर दिया है फिर से। चलिए यहाँ पे बच्चों का मेकअप कर दिया है, बच्चों को अच्छे से मूड रिफ्रेश करके अब हम लोग निकलेंगे। बच्चों को रिमाइंडर ज़रूर डालते रहना चाहिए कि 5 मिनट 2 मिनट का, विद इन 2 मिनट्स वी विल बी लीविंग, विद इन द 5 मिनट्स वी विल बी लीविंग, तो बच्चों को इससे बहुत अच्छा लगता है और वो बी प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। चलिए टाइम हो चला है हम लोगों की 5 मिनट और 2 मिनट का जो बच्चों को छोटे छोटे से रिमाइंडर दिया था वो ख़त्म हो गया है। पहले प्रिशा को बुला रही हूँ कि प्रिशा कम ऑन गेट योर शूज़, पर प्रिशा तो प्रिशा है, प्रिशा कहाँ सुनने वाली है। प्रिशा घूमते फिरते नाचते खेलते आती है और आते ही सबसे पहले मुझे हक करती है। ऑफकोर्स प्रिशा को भी मुझे हक करना बहुत पसंद है, मुझे भी प्रिशा को हक करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को इस तरीके से हक करते रहना, किस करते रहना, एक प्यारा सा बॉन्ड बना रहता है मम्मा और बच्चों के बीच में, जो बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, मैं ही क्या, मैं चाहती हूँ कि सभी अपने बच्चों को इस तरीके से किस करते रहे, हक करते रहे, ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे और दिन भर उनका अच्छा जाए और उन्हें हमेशा पता होना चाहिए कि उनके मम्मी पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके से ये एक गुड पेरेंटिंग की निशानी है, ये बहुत मैंने सीख लिया था और एक अंदर से भी आता है कि जब आप अपने बच्चों को इस तरीके से 50 बार किस करते हैं, हक करते हैं, तो बच्चों का भी दिन बनता है और आपको भी, आपका भी दिन अच्छा जाता है। चलिए यहाँ पे बच्चों को फटाफट से याद दिला दी थी कि गेट योर शूज़, और शूज़ पहनने की आदत मैं खुद डालती हूँ बच्चों को, अगर ईजी टू पहनने वाले हैं, ईजी टू वेयर वाले शूज़ हैं तो बच्चे खुद पहन लेते हैं, अगर कुछ उनकी हेल्प करनी हो तो हेल्प एक अलग चीज़ हो जाती है। मैं कोशिश ही ये करती हूँ कि बच्चे खुद से पहन लें। वन बाय वन बच्चों को गाड़ी में बिठा रही हूँ, फिर हम गैराज ओपन करके बस निकलेंगे स्कूल की तरफ और बातें करते हुए जाएंगे। चलिए यहाँ पे कार डोर बंद करके हम लोगों ने गैराज डोर ओपन करा है। गैराज डोर जब ओपन होता है बच्चों को गाड़ी में बैठ के गैराज से निकलना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आप लोगों के भी बच्चे इस तरीके से ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पसंद करते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में, इन्हीं प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी हैप्पीनेस में आप भी अपने बच्चों की खुशियाँ ढूंढना पसंद करते हैं? मुझे ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा। मुझे आए दिन इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कॉमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जो हम लोगों के साथ इस चैनल के जोड़ते जा रहे हैं और मुझे प्यारे प्यारे से कॉम्प्लीमेंट्स देते जा रहे हैं। मुझे भी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, और जब मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, बच्चों को दिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और आप सभी को इस तरीके से वेव कर रहे हैं वीडियो के अंदर कि हाय, हाउ आर यू, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सो देयर यू गो। और इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह की छोटी छोटी सी मोमेंट्स और मेमोरीज बनाते हुए हम लोग पहुँच गए हैं स्कूल की तरफ। स्कूल में जाते ही बच्चे बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि चलो हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं। और मैं दोनों बच्चों को याद दिला रही थी कि खाना टाइम पे खाना, पानी पीते रहना, रेस्टरूम यूज़ करना, दूर से बात करना और हैंड सैनिटाइज करना।
जब भी ज़रूरत लगे तो हैंड वॉश ज़रूर करना, ज़्यादा चीज़ों को और अपने फेस को मत छूना। मैं कंटिन्यू बच्चों को याद दिलाती रहती हूँ, बच्चे मुझे बार बार बोलते भी जाते हैं नॉट अगेन, वी नो ऑलरेडी। मेरे बच्चे, मुझे क्या, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि बच्चों को जितना ज़्यादा आप याद दिलाओगे, बच्चे अपने आप को इतना बॉदर महसूस करके ऐसे बार बार आपको बोलेंगे नॉट अगेन नॉट अगेन। और ये मैंने यूनिवर्सली देख लिया है, सारे बच्चों में बहुत जल्दी चेंज आ जाता है, बच्चे अपने आप को इतनी जल्दी बड़ा समझने लग जाते हैं, कुछ भी बोलो इतनी जल्दी चिढ़ने लग जाते हैं, इतने छोटे छोटे से उनके एटीट्यूड्स बढ़ते जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया है, ये था मेरा आज सुबह से लेके बच्चों को स्कूल छोड़ने तक का एक प्यारा सा डिटेल वीडियो। आई होप आपने कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्ट एंड रिलेट करने की कोशिश करी होगी। डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, बी वे पार्ट ऑफ माई फैमिली। सो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, इसी प्यारी प्यारी सी चीज़ों में। मैं अपनी खुशियाँ ढूंढना पसंद करती हूँ, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है फाइंड योर सेल्फ। ऑलराइटी, बाय।